अस्सलाम वालेकुम वीअर्स ये है हमारे पास लास्ट ईयर हमारी ब्रोकली थी और ये उस ब्रोकली के सीड्स हैं आज हम आपको बताएंगे कि सीड्स से ब्रोकली कैसे ग्रो करते हैं ब्रोकली किसी इस, इस तरह के होते हैं ये देखें इस तरह के कवर में होते हैं ये है हमारे पास ये ब्रोकली के बीज ये इस, इस फॉर्म में होते हैं और अगर कवर से इसको निकालें तो ये देखें ये इस तरह के होते हैं ब्रोकली के सीड और ये हम लगाएंगे अभी इसकी पनीरी डालेंगे हम और आपके साथ शेयर करेंगे कि सीड से ब्रोकली कैसे ग्रो करते हैं व्यूवर्स मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें कंप्लीट आपको ये गाइड किया गया है कि बीज के लिए मिट्टी किस तरह बनाते हैं और किस तरह की मिट्टी में आप जो है बीज डाल सकते हैं और वो क्विक ग्रो हो सकते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग वहाँ से देख लें कि बीज के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं आए स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो बीज डालने वाली मिट्टी है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये देखें हाथों से ये इसके अंदर डालेंगे ये बीज हमने डाल दिए हैं इसके अंदर ये नज़र इस पर थोड़ी थोड़ी हम इसको मिट्टी से कवर करेंगे और पानी देंगे इसको ये देखिए ये हमारे पास पॉट सा है छोटा सा ये इसमें हम सीडलिंग करते हैं ये देखिए हमने इसमें मिट्टी डाल दी है इसमें हम बीज डालेंगे और इसका एहतियात आपने ये करनी है कि इसके बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं छोड़ना है इसको तो और इसको रखना साए में है ये है हमारे सीड्स और इसको हम एक एक सीड लेके और ये मिट्टी में लगाएंगे बसमिल्लर रहीम इसको ऊपर से हम मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बीज बहुत नाजुक होते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने से ना ये ख़राब हो जाते हैं और इसी तरह करके क्योंकि हमने पनीरी बनानी है तो पनीरी थोड़ी घनी होती है और ये बसमल रन रहीम ये सारी हमने बीज इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और वीवर जी थोड़ी सी मिट्टी आप लें इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हल्का हल्का डाल के ना इसको कवर कर लें क्योंकि हमारे ये इसके अंदर मॉइस्चर है तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर कल पानी डालेंगे तो अगर आपकी मिट्टी ड्राई है तो आप इसमें इसी वक्त भी पानी डाल सकते हैं बीज जो है वो फूट जाएगा मतलब उसके कोम्बले निकल आएंगी तो फिर हम इसके इसको रीप्लांट करेंगे दूसरी जगह पे ये देखिए व्यूअर्स इस पर भी हमने नमक हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर जो है वो डाल दिया है और इसे अभी हम अच्छे तरीके से इस तरह करेंगे और फिर हम इसके अंदर लगाएंगे अपनी ब्रोकली हमने ये तकरीबन छः इंच के फासले पे अंदाजन हमने इसको हम लगाएंगे हमने ये लकीरें कर दी इस तरह लकीरों से फ़ायदा ये होता है या कोई सी भी आप जगह ड्रॉ कर लें तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट्स जो है वो एक लाइन में आ जाते हैं तो पानी देना भी आसान होता है और ये देखें इसके लिए तो आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे बीच में तो अच्छा होता है लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस है नहीं तो हमने तकरीबन ये देखे छः आठ छः से आठ इंच का जो है हमने ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट का फासला रखा है ये देखें जब हमने सीड डाले थे तो उसको हमने टैग लगा दिए थे एक साथ हम बहुत सारी सीड डाल रहे होते हैं तो हम इसको मेंशन कर देते हैं इसके लेबल के ऊपर करके कि ये किस चीज़ का है ये है हमारी ब्रोकली के हैं तो ये देखिए अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे ये देखें ये हम लेंगे अपना गमला और इसको हम करेंगे उल्टा ये देखें हमारा ब्रोकली हमारी ये देखें निकल आई है और इसको आराम से बहुत एहतियात से कि इसकी जो रूट है वो पूरी न, पूरी नजर आनी चाहिए आपके पास ये देखें ये है हमारे प्लांट्स और इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे ये देखें ये ये देखें बिल्कुल आराम से ये अलग हो गया और ये देखें ये भी हो गया इसे अगर इसी मिट्टी के साथ लगाएंगे तो भी अच्छा है ये देखें ये हमने अपना प्लांट लिया ये बड़ा सा होल किया इसको इसके अंदर आराम से और प्यार से रखा और इसकी ये जो स्टेम है इसको अच्छे तरीके से इसके साथ कवर कर दें हमने इतना होल करना है कि ये पूरा रूट जो है उसके अंदर आराम से चला जाए और इसको जरा सा अच्छे तरीके से दबाएंगे ताकि इधर उधर ना चला जाए इसी तरह हम करके हम ये बाकी सारा लगा के आपके साथ मिलते हैं और ये देखिए ये हमने थोड़ी सी इसको जो है वो नाली टाइप की बना दी है ताकि इसके ऊपर पानी खड़ा हो सके क्योंकि तो अगर हम पौधों को ये थोड़ी सी देखें इस तरह हमने कर दिया है अब हम डाल लगाएंगे इसको पानी और ये देखिए ये जो हमने नाली सी बनाई है पौधों के लिए ये देखिए पानी इधर से डाल लो तो वो एंड तक चला जाएगा इसी तरह करके हम अच्छा हम थोड़ा थोड़ा करके हम ये जहाँ हमने लगाया था उसका भी हम थोड़ा थोड़ा देंगे लेकिन क्योंकि अभी क्यों प्लांट्स बिल्कुल नए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है इस तरह हम इसको पानी देंगे और ये देखिए ये अभी हमने काटा है ये हमारी ब्रोकली अभी तक ये लास्ट टाइम लास्ट ईयर की ब्रोकली है ये अभी तक इसमें कुछ प्लांट्स थे इसमें अभी तक ब्रोकली हो ही रही है और ये देखिए कितने मज़े की लग रही है ये देखिए